महाराज की बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में 7 भाइयों की एक लाडली बहन रहती थी। वह बहन बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी, संस्कारी थी, अपने भाइयों का सारा कहना मानती थी। भाई भी सभी बहन से बहुत प्रेम किया करते थे, बहन की हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। लेकिन बहन बस गणेश जी महाराज को नहीं मानती थी, गणेश जी महाराज की पूजा नहीं करती थी। मतलब गणेश जी का नाम आ जाता है या कोई भी व्रत आ जाता है या गणेश जी को देखती तो वो उनको नहीं मानती थी। इस बात से गणेश जी महाराज नाराज हो जाते और उसे हर प्रकार से समझाने की कोशिश की, भाई वे मेरी पूजा क्यों नहीं करती है। लेकिन वह लड़की तो गणेश जी महाराज को मानती ही नहीं थी। एक बार गणेश जी महाराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैं अब इस लड़की की परीक्षा लूंगा और इसे हर प्रकार से मेरी पूजा पाठ करने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। अब गणेश जी महाराज उस लड़की के पीछे पड़ गए, उसे परेशान करने लग गए, उसे हर प्रकार की विपत्ति में डालने लग गए। अब लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्यों ऐसा हो रहा है। वह अचानक डर जाती थी, काम में मन नहीं लगता था। वह लड़की कार्यों में धीरे धीरे ढलने लग गई, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अब वह धीरे धीरे सूखने लग जाती है, चिंता करने लग जाती है। अब भाइयों को परेशानी होने लगी कि अपनी बहन धीरे धीरे परेशान क्यों हो रही है, किस बात की इसकी चिंता हो रही है या ये सूखती क्यों चली जा रही है। भाइयों ने हर प्रकार से अपनी बहन को पूछने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन बहन तो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सबसे जो उनका छोटा भाई था वो बहुत ही ज्यादा होशियार था, उसने सोचा मैं ही अपनी बहन की परेशानी का पता लगाऊंगा कि भाई मेरी बहन ऐसे सूखती क्यों जा रही है, इसे किस बात की चिंता हो रही है। वह एक रात अपना वेश बदलकर बहन के कमरे के पीछे छिप जाता है और देखता है कि बहन को क्या परेशानी है। आधी रात को गणेश जी महाराज वेश बदलकर उस लड़की के कमरे में आते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। तब भाई अचानक गणेश जी महाराज जो वेश बदल कर आए थे उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो जो आधी रात को मेरी बहन के कमरे में आए हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब गणेश जी महाराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं विघ्नहर्ता गणेश जी हूँ। यह लड़की सभी देवी देवताओं को मानती है, सबकी पूजा पाठ करती है, सबका कहना मानती है, यहाँ तक कि तुम भाइयों का भी कहना मानती है, लेकिन मेरी पूजा पाठ क्यों नहीं करती है। इसलिए मैं इस लड़की को सबक सिखाने के लिए इसकी परीक्षा ले रहा हूँ। तब भाई गणेश जी महाराज के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि गणेश जी महाराज मेरी बहन ना समझ है, छोटी है, इसे इतनी बातों की समझ नहीं है, आप कृपा करके इसे माफ कर दीजिए, मैं मेरी बहन को समझाऊंगा और वह आगे से आपकी पूजा पाठ करेगी, आपका व्रत करेगी और आपके नियम को निभाएगी। तब गणेश जी महाराज उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते हैं। दूसरे दिन भाई अपनी बहन को समझाता है कि बेटा गणेश जी महाराज हर देवी देवताओं में सबसे प्रथम गिने जाते हैं, कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा प्रार्थना की जाती है, तभी कोई काम खुशी खुशी मंगल तरीके से पूर्ण होता है। तू सभी देवी देवताओं की पूजा करती है लेकिन गणेश जी महाराज की नहीं करती है, इसलिए गणेश जी महाराज ने तुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था जिसके कारण तू सूखती जा रही थी। तब बहन को सारी बात समझ में आ जाती है और वह बहन गणेश जी महाराज और अपने सभी भाइयों से माफी मांगती है और आगे से गणेश जी महाराज का व्रत करने और उनकी पूजा पाठ करने के लिए कहती है। फिर बहन सुबह रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा करने लग गई, उनका व्रत करने लग गई, धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर होती चली गई। अब तो बहन हंसी खुशी परिवार में रहने लगी।